प्रयागराज के सीएमओ दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का सरेआम उल्लंघन किया गया है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उन डॉक्टरों ने उड़ाई जिनके कंधे पर कोरोना से जंग लड़ने की जिम्मेदारी है। दरअसल सीएमओ ऑफिस में प्राइवेट डॉक्टरों को कोरोना से बचाव की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे के साथ न सिर्फ खड़े नजर आए बल्कि रजिस्टर के एक ही पन्ने पर एक साथ दस्तखत करने के लिए जद्दोजहद करते हुए भी दिखाई दिए। अभी जैसा कि अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा पता लगा कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स धज्जियाँ उड़ा दी गई, जो कि सारे प्रबुद्ध वर्ग शहर का शायद यहाँ था। जो मैं तो मीटिंग में था जैसा मुझे पता लगा, अगर हमारे हॉल में या मीटिंग हॉल जगह नहीं तो भीड़ बनाना इन पढ़े लिखे लोग का काम नहीं हो सकता था। इन लोग को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए अपनी बात हमें पहुँचानी चाहिए थी और मैंने इनके प्रतिनिधि से बात भी करी है कि मैं सबकी लिस्टिंग कर दूंगा जितनी जगह जहां पर होगी। तो सीएमओ दफ्तर का ये नज़ारा है। दरअसल यहां पर डॉक्टरों को बुलाया गया था, प्रशिक्षण हॉस्पिटल चलाने के निर्देश थे और ऐसे में उनको वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर ही उल्लंघन यहां पर करते हुए नजर आए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। और मनीष पालीवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। मनीष, इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से, अब तक तो कई और जगहों की तस्वीरें देख रहे थे, चाहे वो सब्जी मंडी की कहे या फिर कहीं बाजारों की, लेकिन डॉक्टर ही यहां पर उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। हर लोगों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग है। क्या यहां पर कुछ कहा गया है अधिकारियों के जरिए कि आखिरकार यहां पर उल्लंघन क्यों हुआ? जी ऋतु, बिल्कुल। देखिए, ये जिस तरह से वाकया सामने आया है, इसमें जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्हें कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना है, वही डॉक्टर जिनके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है, वो डॉक्टर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। और वो भी ये हुआ कहाँ पर? सीएमओ ऑफिस में, जो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है, वहां पर जिले भर से डॉक्टर पहुंचे थे और इन डॉक्टरों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए वहां पर बुलाया गया था। उनको एक ट्रेनिंग दी जानी थी जिसके बाद जिले के जो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल थे वो खुल सकते थे, वहां पे संचालन होना था। लेकिन जब डॉक्टर उस ट्रेनिंग को लेने पहुंचते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन करते हैं, तो ये पूरा मामला मतलब चौंकाने वाला है कि अभी तक जो तस्वीरें थी वो आम लोग रहते थे जिन्हें जो ज्यादा जागरूक नहीं है, जिनको जागरूक करने की जिम्मेदारी डॉक्टरों पर है। और ऐसे में डॉक्टरों का ये जो पूरा विजुअल सामने आया है वो चौंकाने वाला है। लेकिन मनीष, क्या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अव्यवस्था का जो आलम है वो कहीं ना कहीं सीएमओ दफ्तर में भी था? उस तरह के इंतजाम वहां पर नहीं हुए होंगे? देखिए, अव्यवस्था तो वहां पर निश्चित ही तभी ये हुआ क्योंकि जिस तरह सीएमओ ने दो दिन पहले ये आदेश जारी किया था कि जिले भर के नर्सिंग होम और हॉस्पिटल बंद किए, ओपीडी जो जनरल ओपीडी चलती है उसको बंद करने का उन्होंने निर्देश दिया था कि जनरल ओपीडी बंद की जाए, सिर्फ आकस्मिक सेवाएं हॉस्पिटल में चालू रखी जाए। और उसके लिए भी हॉस्पिटल की डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी गई थी कि हर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से डॉक्टर सीएमओ ऑफिस में आएंगे और वहां पर ट्रेनिंग लेंगे कि किस तरह से उन्हें बचाव का ध्यान रखना है कोरोना को लेकर। और उसी ट्रेनिंग के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया था कि सीएमओ ऑफिस में डॉक्टर पहुंचे। और जब जिले भर के डॉक्टरों को वहां पहुंचना था तो सीएमओ ऑफिस की तरफ से इसकी पूरी तैयारी करी जानी चाहिए, लेकिन वो तैयारी कहीं ना कहीं कम। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।